हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल बॉय अनूप यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जो हमारा DC 775 मोटर है, इस मोटर के स्पीड को आज हम लोग दोगुना करना सीखेंगे, यानी इसका रिवाइंडिंग करना सीखेंगे दोस्तों। और मैं बता दूं दोस्तों, यह जो इसका रोटर है, देख पा रहे हैं दोस्तों, यही रोटर इसके अंदर लगा हुआ था। तो हम इस रोटर को हटा करके एक दूसरा रोटर इसके अंदर डाले हैं, और जिससे इसकी स्पीड बहुत ही कम हो गई दोस्तों। देखिए इसकी वाइंडिंग जो है, इस वाइंडिंग के हिसाब से इसका स्पीड जो है बहुत ही कम हो गया है। मैं एक बार चेक करके भी दिखा देता हूं दोस्तों। इसमें हमने जो वाइंडिंग डाला है, उस वाइंडिंग के हिसाब से देखिएगा दोस्तों कि अभी इसकी स्पीड क्या है। मैं खुद आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिएगा दोस्तों, हम 3.7 वोल्ट की लिथियम सेल को लगा रहे हैं, और देखिए पहले हम इस मोटर को लगा दिए, और देखिए इसके शाफ्ट को रोटेट किया, और देखिए इसका शाफ्ट जो अंदर से घूम रहा है। एक बार बंद करके दिखा, देखिए बंद हो गया दोस्तों। अब देखिए, देखिए घूम रहा है, यानी ये जो मोटर है वर्क कर रहा है। देखिए बहुत ही इसकी लो RPM है दोस्तों, आप लोग खुद ही देख पा रहे होंगे। यह जो इसका रोटर था, जो इस पर वाइंडिंग है, यह जो वाइंडिंग था फिलहाल इस वाले वाइंडिंग से अच्छा ही था, लेकिन हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको भी ना लगा करके इसके अंदर जो आर्मेचर पड़ा हुआ रोटर है, उस रोटर पर दोबारा न्यू वाइंडिंग करेंगे दोस्तों। और इसको करने के लिए हम इसको आप वाले से ही खोल दिए, देखिए दोस्तों। और देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, कुछ इसका मैकेनिज्म आप समझ लीजिए खुद ही, देखिए दोस्तों। देखिए यह जो इसका रोटर है, आप लोग देख पा रहे हैं, दोनों रोटर सेम है दोस्तों, बिल्कुल ही सेम साइज का रोटर है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें वाइंडिंग देखिए दोस्तों, इसमें जो वाइंडिंग हुआ है, ये आपका 36 नंबर तार से वाइंडिंग हुई है, और ये वाली जो वाइंडिंग हुई है दोस्तों, ये हमने खुद वाइंडिंग किया है। तो ये जो वाइंडिंग हमारा है दोस्तों, ये लगभग आपका ये जो घर में वायर यूज करते हैं 1 mm का, उस वाले वायर का हम यूज़ करके इसका वाइंडिंग किए हैं। तो यह अभी चल रहा है, बट बहुत ही स्लो चल रहा है दोस्तों, और ये जो है ये अच्छा खासा है। तो देख पा रहे हैं दोनों रोटर जो है एकदम सेम है, और इसकी वाइंडिंग देख पा रहे हैं दोस्तों, टर्न इसमें कम है, इस बार 3 ही टर्न एक स्लॉट में डाला गया दोस्तों, और इसमें लगभग 80 टर्न है एक स्लॉट में दोस्तों, तो काफ़ी अंतर होगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले वाइंडिंग को निकाल करके इसकी जगह पर हम 28 नंबर के कापर वायर का प्रयोग करेंगे दोस्तों। देखिए ये 28 नंबर का कापर वायर है, इस वायर के प्रयोग से हम आज इसकी वाइंडिंग करना सीखेंगे दोस्तों, और देखेंगे क्या इसके इस वायर से वाइंडिंग करने पर ये फैन जो है चलता है कि नहीं, और इसकी स्पीड दोगुनी होती है कि नहीं। तो हम फटाफट इसकी वाइंडिंग को खोल लेते हैं दोस्तों, और हम बताएंगे कि कैसे इसकी वाइंडिंग करना है, तो आप लोग देखते रहिए मुझे। तो देखिए दोस्तों, हम क्या किए, इसकी वाइंडिंग को यहाँ से खोल दे रहे हैं, देखिए कुछ इस तरह से इसकी वाइंडिंग हुई है। हम बता रहे हैं, बस ध्यान से आप लोग देखते जाइए, हम बताएंगे बहुत ही आसान तरीके से, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, वीडियो स्किप ना करें। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ से इसको निकाल दिए, और इसका जो रोटर था बिल्कुल ही साफ हो चुका है, क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये वायर हमने यूज़ किया था, इसको हटा देते हैं दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, यह जो हमारा 28 नंबर का वायर है दोस्तों, इस वायर का हम प्रयोग करें, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले टर्मिनल में किसी भी कहीं से भी आप लगा सकते हैं दोस्तों, स्वतंत्र हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है, तो आप टेंशन ना लें, कहीं से भी लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम क्या किए, ये जो वायर था हमारा, इसकी वायर के इंसुलेशन को हमने हटा दिया, क्योंकि इसके ऊपर जो है इंसुलेशन लगा रहता है, तो इस इंसुलेशन को हम साफ़ कर लिए हैं। और क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ से हम जहाँ टिक लगाए हैं, यहाँ से शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें हम क्या करेंगे, एक बार इस वायर को इसी तरह से लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहीं पर आपको ध्यान देना, देखिए हम इस वाले कम्यूटेटर पॉइंट पर हम इसको लगा दिए हैं। अब इसकी वाइंडिंग करने के लिए क्लॉक वाइज वाइंडिंग करना है, तो जहाँ से हम शुरू किए इसको छोड़ करके, इस वाले स्लॉट को छोड़ करके अगले स्लॉट में इसमें हमको लेना है। तो देखिए यहाँ से हम इसमें करेंगे इस तरह से दोस्तों, एक स्लॉट को छोड़ करके फिर इधर से आना है, इधर से इसको लेना है, यानी एक स्लॉट हमारा छूटना नहीं चाहिए, छूटना चाहिए दोस्तों। और इसमें हम केवल 10 टर्न ही डालेंगे, 10 से 15 टर्न डालना है, उससे ज़्यादा नहीं। देखिए एक टर्न कम्प्लीट हो गया, 2 3 4 5 टाइटली डालना दोस्तों, 6 7 8 9 और ये 10 टर्न कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है दोस्तों, देखिए 10 टर्न कंप्लीट हो गया, अब ये वाला जो हमारा बचा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको कहाँ पर लगाना है हम दिखा देते हैं। तो देखिए इसके जस्ट अगले वाले में हमको इसको लगाना है, यानी इसमें इसको लगाना है। तो लगाने से पहले क्या करेंगे, इसके हम वार्निश को हटाना पड़ेगा दोस्तों, अगर वार्निश नहीं हटाएंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो हम इसके वार्निश को हटा देते हैं। हम क्या किए, इसके वार्निश को हटा करके इसमें इस तरह से हम इसको लगा दिए दोस्तों। लगाने के बाद फिर इसको इस तरह से दाब दें, दाबने के बाद दोस्तों ये अच्छी तरह से इसमें हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, अगले देखिए यह वाला स्लॉट छोड़ करके फिर हमको आगे बढ़ना, इसमें इसमें आएंगे, फिर इसमें भी 10 टर्न नहीं डालना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज चलना है दोस्तों। देखिए एक टर्न कंप्लीट हो गया, इसी तरह से हम इसमें 10 टर्न डाल लेते हैं, फिर आपको अब दिखाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी हमारा 10 टर्न कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर आगे वाले स्लॉट में, यानी इसमें डाले थे, अब इस वाले स्लॉट में डालना। देखिए इस वाला हमारा जो कुंडा है, इस कुंडे में इसको लगाना है दोस्तों। तो इसी तरह से इसकी इंसुलेशन को हटा करके फिर इसमें हम कुंडे में लगा देंगे। फिर क्या करना है, इस तरह से आगे जाना है, और इसमें 10 राउंड इसी तरह से डालना है। इसी तरह से करते करते हम सभी स्लॉट की वाइंडिंग कर लेते हैं, फिर हम आपको लास्ट में दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, फाइनली हमने लास्ट वाले टर्न की वाइंडिंग कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारा 10वां टर्न कंप्लीट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों,
देखिए ये वाला जो हमारा लास्ट वाला टर्न कंप्लीट हुआ है, इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए हम जो शुरू किए थे दोस्तों कम्यूटेटर को वाइंडिंग करने के लिए, तो देखिए यहाँ पर एक हमारा ये जो वायर जहाँ से हम शुरू किए थे तो निकला था। अब ये वाला लास्ट वाला वायर क्या करना है हमको इसमें लगाना है दोस्तों, यानी इससे हमारा क्या होगा सर्किट जो है कम्प्लीट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कितना प्यारा वाइंडिंग हुआ है, देख पा रहे हैं जिस तरह से ये पुराना वाला हमारा कम्यूटेटर था उसी तरह से हम इसमें वाइंडिंग किए हैं दोस्तों बिल्कुल ही। देखिए ये वायर पतला है और ये वाला वायर जो है मोटा है, बिल्कुल ही कितना अच्छी तरह से वाइंडिंग हो गया। चलिए हम फटाफट इसको टेस्ट करते हैं क्या ये वर्क कर रहा है कि नहीं दोस्तों। तो हम इसको इसके जो कवर है यानी इसमें हम इसको डाल देते हैं, फिर हम इसको पहनाते हैं दोस्तों। देखिए जिस तरह से इसमें देखिए ब्रशेस लगे हुए, कार्बन ब्रशेस लगा हुआ है दोस्तों, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमको पहनाना है। तो देखिए हम इसको पहना लेते हैं फाइनली, बहुत ही इजी है दोस्तों, बिल्कुल ही कठिन नहीं है। तो देखिए देखिए बिल्कुल ही लग चुका है दोस्तों, और ये देखिए रोटेट कर भी रहा है, और ये ऊपर का जो है इसके शाफ्ट के साथ लगा रहता है, इसको भी हम इस तरह से लगा लेते हैं। तो देखिए लगा करके इसको प्रॉपरली फिक्स करना है। तो देखिए दोस्तों हमने इसको लगा दिया, बिल्कुल अच्छी तरह से फिक्स हो गया, और ये देखिए मोटर अच्छी तरह से मूव भी कर रहा है। चलिए हम इसको 3.7 वोल्ट की लिथियम सेल से ही फिर चेक करेंगे दोस्तों, ताकि हम जानेंगे कि क्या इसमें स्पीड बढ़ा है कि नहीं दोस्तों। अगर ये स्पीड इसका राइज हुआ होगा यानी इंक्रीज हुआ होगा दोस्तों तो बिल्कुल ही ये चल जाएगा। पहले हमको शाफ्ट को घुमाना पड़ता था, अब देखिए दोस्तों बिल्कुल ही शाफ्ट नहीं घुमाना पड़ रहा, देख पा रहे हैं दोस्तों जैसे ही लगा रहे तैसे ये मोटर वर्क कर रहा है, यानी हम थोड़ा सा इसको ऑयलिंग कर देंगे तो इसकी जो आवाज़ है वो नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों हम 3.7 वोल्ट को लगा रहे हैं तो बिल्कुल ही अच्छी तरह से देखिए वर्क करने लगा, इसकी स्पीड भी जो है बढ़ चुकी है दोस्तों बिल्कुल ही, देख पा रहे हैं कितना अच्छी तरह से मूव कर रहा अंदर, देख पा रहे होंगे तो इस तरह से इसकी स्पीड हो चुकी है दोस्तों। अब चलिए हम इसको 12 वोल्ट डीसी एडाप्टर की वजह से एडाप्टर से इसको चला करके देखते हैं क्या इसकी एक्चुअल स्पीड है दोस्तों। तो अब फाइनली देखिए दोस्तों हम इसको 12 वोल्ट डीसी एडाप्टर के मदद से चलाते हैं। देखिए दोस्तों जैसे हम इसमें टच करते हैं देखिए किस तरह से इसकी स्पीड हो गई है, देख लीजिए खुद ही आप लोग देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे हैं दोस्तों कितना तेजी स्पार्क कर रहा है दोस्तों, सुनिए दोस्तों किस तरह से ये चल रहा है। देखिए ये इसका फुल स्पीड है दोस्तों, यानी वाइंडिंग करने के बाद इसकी स्पीड आप लोग खुद ही सुन पा रहे हैं। देखिए अंदर से मोटर गए, देखिए बंद हो गया, और देखिए हम जैसे टच कर रहे देखिए कितना तेज चल रहा है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों।